And there, the Lord Jesus Christ says, bring that food, that 5 loaves of bread and 2 fishes. और प्रभु मसीह ने कहा कि उन 5 रोटी और 2 मछली को यहाँ लाओ. Jesus took that and he gave thanks and he broke it. और प्रभु मसीह ने उसे लिया और उसके लिए धन्यवाद दिया और उसे तोड़ा. And he began to distribute it. और प्रभु मसीह ने उसे बांटना शुरू कर दिया. He said to his disciples, take and give to the people. और प्रभु मसीह ने कहा लो और इसे लोगों को बांटो. They were keeping on distributing. और वे बांटते चले जा रहे थे and the food was not ending. और वह खाना जो है खत्म नहीं हो रहा था. वो 5 रोटी और 2 मछली वह खत्म नहीं हो पा रही थी. And that food was not ending and it was keep multiplying. और वह खाना था वो बढ़ता चला जा रहा था. And all the 25,000 people ate. और सारे जो 25,000 लोगों ने खाकर पूरी रीति से तृप्त हो गए. And they were fully satisfied. And what happened? They even gathered 12 baskets of the remaining food. और उन्होंने 12 टोकरियां भर के बचा हुआ खाना वहां पर निकाला. So, Jesus multiplied things and he can multiply things in your life. प्रभु मसीह ने वहां पर चीजों को बढ़ाया, उन्हें दुगना तिगना किया, बल्कि हजार गुना किया. और प्रभु मसीह उसे आज भी कर सकते हैं. Now I'm going to come back to the answer Jesus gave. अब मैं उस जवाब पर वापस लौटना चाहूंगा जो प्रभु मसीह ने शिष्यों को दिया था. When all the disciples went and did mighty miracles, प्रभु मसीह के शिष्य गए और उन्होंने बड़े बड़े चमत्कारों को किया. और जब वे वापस आकर उन्होंने बताया, प्रभु मसीह ने उनसे कहा कि जो चमत्कार हुए हैं उस पर आनंद मत करो, किंतु इस पर आनंद करो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग में लिखा गया है. Don't rejoice on those miracles, but rejoice because your name is written in the book of life. और प्रभु मसीह ने उसे इसलिए कहा क्योंकि यह जो खाना दिया गया था और जो चमत्कार शिष्यों ने किए थे, ये केवल अस्थाई थे, केवल थोड़े समय के लिए थे. The Lord Jesus Christ said this to disciples because all the miracles that had happened and the food that was distributed, that was temporary, that was only for some time. The people who ate the food, they must have been hungry again the next morning. The people who got healing from the sickness, they must have died one day. और जो लोग बीमार थे वे एक दिन मरे होंगे फिर से. और जो लोग जिन्होंने खाना खाया होगा वे अगले दिन फिर से भूखे हुए होंगे. But Jesus is the bread of life. और प्रभु मसीह जो है जीवन की रोटी है. And anyone who eats from the bread of life, he will never get hungry again. और जो कोई उस जीवन की रोटी में से खाता है वह फिर कभी भूखा ना होगा. And the Lord Jesus Christ said, so depend yourself on that your name are written in the book of life. इसलिए उस पर ज़्यादा भरोसा रखो, उस पर ज़्यादा आनंद करो कि तुम्हारा नाम वहाँ पर स्वर्ग में लिखा गया है, जीवन की पुस्तिका में. How can one person get his name written in that book of life? एक व्यक्ति उस जीवन की पुस्तिका में अपना नाम कैसे लिखवा सकता है? Simply by coming to the Lord Jesus Christ with repentance. केवल पश्चाताप के साथ, मन फिराव के साथ प्रभु मसीह के पास आने के द्वारा. And the Lord Jesus Christ is ready to forgive our sins, ready to cleanse us. प्रभु मसीह हमारे पापों को क्षमा करने के लिए तैयार हैं, हमें पाप से छुटकारा देने के लिए तैयार हैं. So don't let this opportunity go today, that you take this opportunity and ask the Lord Jesus Christ that he may forgive you and cleanse you from your sins. तो इसलिए इस मौके को आज जाने मत दीजिए. तो इस मसीह से आज मांग लीजिए कि वह आपके पापों को माफ कर दें और आपको मुक्त कर दें. And also, you can ask the Lord Jesus Christ to give you those miracles that he has promised today. और प्रभु मसीह से उन चमत्कारों को भी आज आप मांग सकते हैं जिनको देने के लिए प्रभु मसीह ने प्रतिज्ञा की है. And the Lord Jesus Christ is going to do great things today. और प्रभु मसीह आज बड़े कामों को करने वाले हैं.